बोलिए सम्राट अशोक महान की, बोलिए माता सावित्री बाई फुले की, छत्रपति साहू जी महाराज की, बोलिए अपने अपने माता और पिता की। ध्यान देते हैं अब चर्चा की ओर। जैसा कि ये गाथा कौन सी है, बुद्ध गाथा, बुद्ध कथा, बुद्ध गाथा। बुद्ध कथा का मतलब क्या होता है, ज्ञान की कथा। बुद्ध का मतलब क्या होता है, ज्ञान। बोध का मतलब क्या होता है, ज्ञान। तो ये जो चर्चा आपके बीच में होने जा रही है, ये ज्ञान की चर्चा होने जा रही है, ज्ञान की कथा होने जा रही है। उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बुद्ध कथा को पहली बार सुन रहे हैं। कितने लोग इस कार्यक्रम को, बुद्ध कथा को पहली बार सुन रहे हैं, वो लोग जरा हाथ उठा देंगे। जो लोग बुद्ध कथा को पहली बार सुन रहे हैं, वो लोग हाथ उठाएंगे ऊंचे ऊंचे हाथ। अरे सब लोग पहली बार सुन रहे हैं, माताएं बहनी एक दो लोगों को छोड़ के बाकी सब लोगों ने हाथ उठाया है। मतलब ज्यादातर लोग पहली बार बुद्ध कथा को सुन रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक निवेदन है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, और जब ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो समझ में जरूर आएगा। आज तक बहुत से कार्यक्रम आप लोग देखते रहे, सुनते रहे, बहुत से भागवत के कार्यक्रम, जागरण के कार्यक्रम, बहुत से कार्यक्रम सुने होंगे, लेकिन ये जो कार्यक्रम है ये उन कार्यक्रमों से अलग हटके, क्योंकि जो कार्यक्रम आप लोगों ने आज तक सुने वो कार्यक्रम होते हैं जो कथा भागवत के और कार्यक्रम होते हैं, उनमें कहा जाता है कि कथा भागवत सुन लो और आपका उद्धार हो जाएगा। कथा भागवत सुनने से आपका उद्धार हो जाएगा, लेकिन ये जो बुद्ध की कथा है ये उद्धार की कथा नहीं है। ये कौन सी कथा है मैं आपको बता दूं, ये सुधार की कथा है। कौन सी कथा है, सुधार की कथा है। इस कथा को सुन करके आपका उद्धार नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा, लेकिन हाँ सुधार जरूर होगा। अगर आपने इन तमाम महापुरुषों के विचारों को अपने जीवन में उतार लिया और परिवर्तन, सुधार, बदलाव विचारधारा से आता है। अगर आप अपनी विचारधारा को बदल देंगे, इन महान पुरुषों की विचारधारा पर चलने लगेंगे, तो आपके जीवन में सुधार जरूर होगा, बदलाव जरूर आएगा। तो इसलिए मैं पहली बात में ही बोल रही हूं कि इस लालच में मत बैठना यहाँ पे कि हम स्वर्ग को पहुंच जाएंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा। नहीं, यह उद्धार की कथा नहीं है, बल्कि यह सुधार की कथा है। बुद्ध की चर्चा मतलब ज्ञान की चर्चा आप लोगों के बीच में लगातार 5 दिनों तक होगी। और कौन से ज्ञान की चर्चा, जो ज्ञान विश्वगुरु महामानो तथागत सम्यक संबुद्ध बता करके गए। भगवान बुद्ध को माताएं बहने जानती हैं आप लोग, कितने लोग जानते हैं, हाथ उठाए, झूठे हाथ कोई नहीं उठाए, सही सही हाथ उठाए, किसी से भी पूछ सकते हैं। भगवान बुद्ध को कितने लोग जानते हैं, हाथ उठाए, भैया लोग तो सब लोग जानते हैं, लेकिन हमारी माताएं बहने बस 2-3 ही लोग जानती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे सभी अंकल लोगों का जिन्होंने ये ऐसे कार्यक्रम का आयोजन कराया है। आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। अब हमारी माताएं बहनें, बहुत लोग भगवान बुद्ध को ही नहीं जानती हैं कि कौन है, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। ये यहाँ पर तस्वीर लगी हुई है, देख लीजिए आप लोग, भगवान बुद्ध की तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हैं। सामने सबसे आगे जो तस्वीर रखी हुई है ये भगवान बुद्ध की तस्वीर है, तथागत सम्यक संबुद्ध की तस्वीर है। इन्होंने पूरी दुनिया को समता, ममता, मानवता, बंधुता, भाईचारे का पाठ पढ़ाया। पूरे जगत को, पूरे संसार को एक वैज्ञानिक धम्म अर्थात विज्ञान पर आधारित रास्ता दिखाया। तो प्यारे धम्म बंधुओं, आप लोग श्रवण करेंगे बुद्ध की गाथा को, बुद्ध की चर्चा को। आइए सबसे पहले हम ध्यान करते हैं कि तथागत बुद्ध ने जो धम्म दिया है, धम्म का मतलब होता है एक रास्ता, एक
मार्ग। माताएं बहने आप लोग समझती जाना, ये कथा भले ही आप पहली बार सुन रही हैं, लेकिन ये जो कथा होने जा रही है, जो चर्चा होने जा रही है, ये बहुत पुरानी चर्चा, जो इतिहास यहाँ पर बताया जाएगा बहुत पुराना इतिहास है, जिसे दबाया गया, छिपाया गया और आप लोगों से दूर रखा गया। भले ही ये कथा आज आपको सुनने में नई लगे, लेकिन ये कोई नई कथा नहीं है, ये बहुत पुरानी कथा है, बहुत पुराना आप लोगों का ही इतिहास है, जिसको दबा दिया गया, छिपा दिया गया। और ये जो तमाम महापुरुषों की तस्वीरें देख रहे हैं आप लोग, ये वो महापुरुष हैं जो फिर से अपने इतिहास को उजागर किए और समय समय पे इस समाज को जगाने का काम किए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे महामानव तथागत बुद्ध से, फिर लगातार 5 दिनों तक आप समस्त महापुरुषों की जीवन गाथाओं पर चर्चा सुनते रहेंगे। महामानव तथागत बुद्ध, जिन्होंने मानव के कल्याण के लिए एक बहुत ही पावन धम्म दिया, मतलब रास्ता दिखाया, उस रास्ते पर चलने के लिए भगवान बुद्ध ने कुछ नियम बताए, और वो नियम कौन से हैं? त्रिशरण और पंचशील। भगवान बुद्ध ने मानव के कल्याण के लिए त्रिशरण और पंचशीलों का ज्ञान बताया है। त्रिशरण क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। त्रिशरण का मतलब सुनिएगा, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि का अर्थ क्या होता है? बुद्धं शरणं गच्छामि मतलब मैं बुद्ध की शरण में जाता हूं। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान, मैं ज्ञान की शरण में जाता हूं। उसके बाद कहा धम्मं शरणं गच्छामि, मैं धम्म की शरण में जाता हूँ। बुद्ध ने जो ज्ञान दिया है उसको अपने जीवन में धारण करता हूँ। उसके बाद कहा संघं शरणं गच्छामि, इसका अर्थ होता है माताओं बहनों, मैं संघ की शरण में जाता हूँ। संघ मतलब एक मत के, एक विचारधारा के बहुत से लोग जहां पर जुड़े हों, वही एक संघ होता है, एक संगठन होता है। बुद्ध ने क्या कहा, संघं शरणं गच्छामि, मैं संघ की शरण में जाता हूं। लेकिन संघ आज के समय में इस समाज में अनेक प्रकार के पाए जाते हैं, संघ संगठन इस समाज में अनेक प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे कि एक शराबी लोगों का भी संघ होता है, एक जुआरी लोगों का भी संघ होता है, एक चोरी करने वाले लोगों का भी अलग अपना संघ होता है, संगठन होता है, एक मतलब लूटपाट करने वाले लोगों का अपना अलग संघ होता है, संगठन होता है। लेकिन बुद्ध ने जो कहा संघं शरणं गच्छामि, संघ की शरण में जाओ। अब संघ तो समाज में अनेक प्रकार के हैं, किस संघ में जाने से आपका कल्याण होगा? वो संघ है बुद्ध ने बताया ज्ञानी लोगों का संघ, बुद्धिमान लोगों का संघ, प्रबुद्ध लोगों का संघ। मतलब अगर अपना कल्याण चाहते हो तो ज्ञानी लोगों के संघ में रहो, बुद्धिमान लोगों की संगति में रहो। मतलब जैसे आप संगति में रहेंगे वैसे ही आप बन जाएंगे। जैसी संगति में रहेंगे, संगति का असर मानव के जीवन पर बहुत गहरा पड़ता है। मैंने अभी बताया कि समाज में संघ अनेक प्रकार के भैया होते हैं। अगर आप शराबी लोगों के संघ में रहोगे, शराबी लोगों की संगति में रहोगे, तो क्या सीखोगे? शराब पीना। क्योंकि शराबी व्यक्ति आपको ये कभी सीख नहीं देगा, कभी शिक्षा नहीं देगा कि आप शराब ना पियो। आप बीड़ी पीने वाले लोगों के साथ बैठोगे तो क्या वो आपको शिक्षा देंगे कि बीड़ी ना पियो? जब वो बीड़ी जलाएंगे तो यही पूछेंगे, भैया कि आपके लिए भी जला है? हेलो अंकल जी, ये भैया आपके साथ में बैठना चाहते हैं, इनको अपने साथ में बिठाओ। आ जाओ बाबू, बैठ जाओ, मटका बजाओ बैठ करके। तो आप लोग सुनिएगा माताएं बहनें भैया लोग सभी लोग, कि बुद्ध ने जो कहा कि मतलब ज्ञानी बुद्धिमान लोगों की संगति में आपको रहना है। अगर आप ज्ञानी लोगों की संगति में रहेंगे तो ज्ञान की बातें सीखेंगे,
अगर आप शराबी लोगों की संगति में रहेंगे शराब पीना सीखेंगे, जुआ खेलने वाले लोगों की संगति में रहेंगे जुआ खेलना सीखेंगे, चोरी करने वालों की संगति में रहेंगे तो आप चोरी करना सीख जाएंगे। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कितनी अच्छी बात कही, संघं शरणं गच्छामि, ज्ञानी लोगों की बुद्धिमान लोगों की संगति में रहो। ये भगवान बुद्ध के त्रिशरण हो गए। बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। धम्मं शरणं गच्छामि, मैं धम्म की शरण में जाता हूँ। और संघं शरणं गच्छामि, मैं संघ की शरण में जाता हूँ। बोलिए भगवान बुद्ध की। उसके बाद भगवान बुद्ध ने मानव के कल्याण के लिए पांच शीलों का ज्ञान दिया है, जिन्हें पंचशील कहा जाता है बुद्ध के धम्म में। अब वो पंचशील समझ लीजिएगा माताओं बहनों, में अभी बताया हमने कि ये उद्धार की कथा नहीं बल्कि सुधार की कथा है। अगर आप इन बातों को अपने जीवन में उतार लेंगे तो सुधार निश्चित ही होगा आपके जीवन में। पंचशीलों का ज्ञान दिया महामानव तथागत बुद्ध ने, और उसमें पहला शील बताया है पाणातिपाता वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि। ये पाली भाषा के शब्द हैं, इनका हिंदी अर्थ होता है अकारण हम किसी प्राणी या जीव की हत्या नहीं करेंगे। दूसरा शील भगवान बुद्ध ने बताया आदिन्न दाना वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि, अर्थात बिना दिए किसी पराई वस्तु को नहीं लेंगे, पराई वस्तु का लालच नहीं करेंगे, हम कभी चोरी नहीं करेंगे। तीसरा सील भगवान बुद्ध ने बताया कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि, इसका अर्थ होता है हम माँ बहन बेटियों का सम्मान करेंगे, माँ बहन बेटियों का सम्मान करेंगे, अपनी पत्नी को छोड़ हर एक माँ बहन बेटी को अपनी माँ बहन बेटी की नजर से देखेंगे, किसी भी माँ बहन बेटी को गलत दृष्टि से नहीं देखेंगे, व्यभिचार दुराचार से हमेशा दूर रहेंगे। चौथा सील तथागत बुद्ध ने बताया मूसा वादा वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि, अपने मुंह से किसी को ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे उसे कष्ट हो, खेद हो, दुख हो, अर्थात हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, लड़ाई झगड़ा से दूर रहेंगे, और कभी हम किसी की चुगली भी नहीं करेंगे। ये माताओं बहनों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि चुगली वाले काम में माताएं बहनें ज़्यादा आगे होती हैं। तो भगवान बुद्ध ने चौथे सील में ये बात बताई है कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, लड़ाई झगड़ा से दूर रहेंगे, और किसी की चुगली नहीं करेंगे। पांचवा सील भगवान बुद्ध ने बताया बड़ा ही कल्याणकारी सुरा मेरे मज पमादठाना वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि, इसका अर्थ होता है कि हम जुआ और नशा से हमेशा दूर रहेंगे, जुआ और नशा से हमेशा दूर रहेंगे, नशीले पदार्थों के सेवन से हमेशा दूर रहेंगे। ये पांचवें सील में भगवान बुद्ध ने शिक्षा दी। अब विचार कर लीजिए आप लोग, ये जो पांच शील हैं कितने कल्याणकारी हैं मानव के जीवन के लिए। पहला शील अकारण किसी प्राणी जीव की हत्या नहीं करेंगे, दूसरा शील हम कभी चोरी नहीं करेंगे, पराई वस्तु का लालच नहीं करेंगे, तीसरा शील व्यभिचार से दूर रहेंगे, चौथा शील झूठ छल कपट चुगली लड़ाई झगड़ा से दूर रहेंगे, और पांचवा शील जुआ और नशा से दूर रहेंगे। तो अगर मानव इन पांच शीलों को अपने जीवन में उतार ले तो वो हमेशा सुख शांति को प्राप्त करेगा। लोग क्या करते हैं, सुख शांति प्राप्त करने के लिए तीर्थों पर जाते हैं, अपने पापों को धोने के लिए गंगा में डुबकी लगाने जाते हैं। लेकिन अगर मनुष्य अपने कर्मों को सुधार ले, अगर वो गलत कर्म करे ही ना, पाप कर्म करे ही ना, बुद्ध की पांच बातों को मान ले, तो फिर उसको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी।